एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तिवारी का लखनऊ में। आज हम लखनऊ के शिव मंदिर मेन मैदान पे, आप देख सकते हैं सामने महादेव का मंदिर बना हुआ है और बेहतरीन मौसम, बेहतरीन दिखावा, ज़बरदस्त और खिली धूप और बेहतरीन मौसम के बीच में लखनऊ और कलकत्ता के बीच में गेम हो रहा। कलकत्ता टीम है बेन काइट क्लब, सामने बेन काइट क्लब के खिलाड़ी और अपोजिट साइड है लखनऊ की टीम के आलमबाग काइट क्लब। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी पतंग तैयार करते हुए डोर छोड़ के जाते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त गेम चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। ये देखिए आप, बेन भाई है हमारे, बेन काइट क्लब के कैप्टन हैं। जो कि बेन भाई अपनी टीम में कौन कौन शौक कर रहा है आज यहाँ पर कलकत्ता से? हमारे सब टीम है, हम लोग आते रहते हैं जी। अमजद भाई, अभिषेक है, अमजद भाई, अभिषेक भाई, भाई का नाम क्या है जो साथ? राकेश भाई हैं। बताया ये अमजद भाई है, देखिए सामने, और भाई का नाम बिन्नी भाई, विनय भाई है, और इन भाई का नाम क्या है भाई का जो पतंग निकाल? अनवर भाई हैं, देखिए आप एनर्जी बना रहे हैं, देख रहे हैं बना। और राकेश भाई हमारे हैं ये, और कौन कौन है आगे जो पेल लड़ाने गए? आगे पेल लड़ाने के लिए अभिषेक भाई गए हैं। लगभग टोटल कितने मेंबर हैं आज? छः मेंबर आए हुए हैं कलकत्ता से गेम करने के लिए लखनऊ में, सोडी भाई से जो कि गेम चल रहा है। और देखिए अमजद भाई अपनी पतंग तैयार कर रहे हैं पेच के लिए। और आज हवा कैसी है भाई? बहुत तगड़ी हवा है। अच्छा, आज पहला गेम है आपका, दूसरा है लखनऊ में? पहला दिन है आप बिन भाई का यहाँ पर लखनऊ में, और आगे भी गेम है अपना इधर? चार दिन का गेम है भाई प्लान लखनऊ में, देखते हैं। और किस किस टीम से है अपना बिन भाई? कल स्पीड से है, परसों एससी से होगा, और एक और गेम है एक दिन का विकास दद्दा से है भाई का अपना गेम। और चलते हैं, अब देखते हैं लखनऊ टीम में कौन कौन शौक कर रहा है इधर सोदी भाई टीम में। आलमबाग टीम के दो नायाब हीरे भी आ चुके हैं मैदान के अंदर, हमारे ये प्रदीप दद्दा और कलकत्ता का गेम देखने के लिए आए हैं। अमजद भाई ने बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया ऊपर से गद्दा मार के, और दोबारा लड़ा रहे नीचे से पेच और ऊपर से लड़ा रहे हैं अजमत लखनऊ के लिए। और यहाँ पर तेज़ी के साथ देखिए अजमत भाई ने भरपूर ताकत के साथ तेज खींच के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया एक बार फिर कलकत्ता के लिए। लखनऊ के लिए आशु भाई तैयारी ले रहे, पेल लड़ाएंगे ऊपर से गद्दा मारने की जिम्मेदारी लेंगे, सामने देखिए तैयारी लेते हुए, और नीचे से लड़ा रहे हैं अजमत भाई कलकत्ता के लिए। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर, सामने देखे पेच होता हुआ। नीचे से हैं अजमत भाई और ऊपर से हैं आंसू, आंसू ऊपर से मुड्ढा रखते हुए, और यहाँ पर भरपूर ताकत के साथ गद्दा मार, यहाँ पे आंसू ने बेहतरीन पेच काट दिया और अजमत ने बाहर तेज खींची और पेच कट गए कलकत्ता के लिए। कलकत्ता के लिए राकेश तैयारी ले रहे पे लड़ाएंगे ऊपर से, और लखनऊ के लिए लड़ा रहे हैं समीर पहाड़ी भाई अपने सामने तैयारी लेते हुए, इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, ऊपर से हैं राकेश और नीचे से समीर, समीर नीचे से अंदर मुड्ढा ले गया, थपकी देते पतंग चमकाते हुए अंदर का मुड्ढा ले गया, ऊपर से राकेश हल्का तो मुड्ढा रखते हुए बाहर का पतंग चलाते हो तेज़ी के साथ बाहर का तेज दमाते हो। यहाँ पर समीर ने बहुत ही तेज़ी से भरपूर ताकत के साथ पट मार के बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर लखनऊ के लिए। तक लिए अभिषेक भाई पेल लड़ा रहे ऊपर से और नीचे से समीर भाई हैं, और सामने पेच होता हुआ लखनऊ और कलकत्ता के बीच में, और नीचे से समीर भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हैं, ऊपर से अभिषेक हल्के हाथ और मुड्ढा रखते हुए जीघा बनाते हुए पतंग चलाते हुए ऊपर से चढ़ के आते हुए, लेफ्ट हैंड साइड पतंग है अभिषेक की और राइट हैंड साइड पतंग है समीर भाई की, सामने अंदर मुड्ढा लेके आते हैं जीघा बनाते हुए एक बार फिर से तैयारी लेते हुए, सामने पेच होता हुआ लखनऊ और कलकत्ता के बीच में गेम, अभिषेक मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए जीघा बनाते हुए रखते हुए मुड्ढा फिर अंदर बाहर करते हुए, समीर अंदर का लेके आते हुए मुड्ढा जीघा बनाते हुए एक बार फिर से मौके का इंतजार करते हुए दोनों खिलाड़ी। बहुत ही ज़बरदस्त गेम चल रहा है लखनऊ और कलकत्ता के बीच में यहाँ पर। समीर हल्के हाथों मुड्ढा ले गए बाहर जाते हुए जीघा बनाते हुए, यहाँ पे अभिषेक जीघा बनाते हुए यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा भर्रा मार के फिर अंदर दिखाई, और यहाँ पर अंदर का तीर उतारते हुए यहाँ पर समीर पट मारते हुए नीचे नीचे गेम होता हुआ यहाँ पर
और समीर यहाँ पर पेच कट गए और बेहतरीन पेच काट यहाँ पर डोल लगाकर अभिषेक ने कलकत्ता के लिए सोनी भाई तैयारी ले रहे, पे लड़ा रहे ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे कलकत्ता के लिए। अजमत भाई पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, सामने चलते पेच होता हुआ सामने देखिए, नीचे से है अजमत और ऊपर से है सोनी भाई पेच होता हुआ। और यहाँ पे अजमत तेज़ी के साथ भरपूर ताकत के साथ तेज़ी से खींचते यहाँ पर डोल लगा के यहाँ पर बेहतरीन पेच काट यहाँ पर सोनी भाई ने लखनऊ के लिए। बिन भाई हमारे टेपिंग कर रहे हैं, देखिए बढ़िया पतंगी टेपिंग ज़बरदस्त और बेहतरीन पतंग है मानदार। पतंग तैयार करते हुए पेच के लिए बहुत ही बढ़िया, देखिए बिन भाई अपने लाए डबल स्टार टेप है, एक है येलो में और एक है पिंक कलर का। बिन भाई ये पतंग कहाँ की है, कलकत्ता की है बरेली की है? मानदार कलकत्ता की पतंग, मानदार कलकत्ता की पतंग है। कि किस कारीगर की है? अकबर की है, अकबर भाई की पतंग है। पतंग जरा दिखाएंगे भाई, ये देखिए पतंग है अकबर की, बहुत ही बढ़िया गोल पतंग है। साइज क्या होगा लगभग इसका? और बढ़िया बेहतरीन फरमा, फिनिशिंग देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है अकबर की पतंग। और ये रही अपनी आलमबाग की टीम, आलमबाग की टीम में आज जो शौकर है हमारे समीर भाई, देखिए पतंग बना रहे अपनी, और सौरभ पतंग पेज पे रोके हुए हैं, और ये रहे हमारे सिम्मी भाई जो कि टीम की जान है शान है, और आलमबाग के कैप्टन भाई हमारे सोनी भाई सामने देखे काफ़ी थक चुके बहुत मेहनत की सुबह से काटने के लिए। और सिम्मी भाई कुछ कहना चाहेंगे आज? कलकत्ते की टीम लड़ रही है जी, कहने वो कलकत्ते की टीम कलकत्ता कलकत्ता, लेकिन कलकत्ते की सबसे अच्छी टीम हमारे हिसाब से यही है बेन काइट क्लब। बेन काइट क्लब बन के आता है तो मतलब क्लब बहुत है, लेकिन ये आते हैं अमजद भाई बना के अपनी टीम लेके आते हैं, मजबूत लेके आते हैं, मशक्कत करनी पड़ती है इनसे जीतने के लिए, आसानी से नहीं जीत सकते हैं, बहुत अच्छी पतंग आते हैं। ये पतंग बढ़िया बढ़िया, तिवारी जी हमारे उससे बढ़िया जो बढ़िया शूट कर रहे हैं, तिवारी जी से शूट कराना और 1000 रुपये दीजिए पूरी वीडियो बनाएंगे, मगर इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। हमारे समीर भाई देखे पतंग चेक कर रहे अपनी, पतंग बना रहे पेच के लिए, खींच रहे हैं देख रहे हैं पतंग सही है नहीं सही है, और पतंग चलाते और बेहतरीन देखे ज़बरदस्त तेज़ी के साथ खींची और यहाँ पर पतंग एकदम, पतंग सही है समीर भाई, अंदर जा रही हल्की हल्की अंदर जा रही है, तो पतंग समीर भाई हमारे सही करेंगे, पतंग सही कैसे की जाती है ये अभी हमारे समीर भाई बताएंगे दिखाएंगे। और ये समीर भाई अंदर पतंग जा रही तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या बाहर का दबा देंगे, हल्की बाहर की काप दबा रहे देखिए, और दोबारा फिर से चेक करेंगे और हल्का ठड्डा मल दिया यहाँ पर जिससे पतंग में चाल आ जाए, फिर दोबारा डोर छोड़ के जा रहे चेक कर रहे हैं। और पतंग छोड़ के जाते हुए चेक करते हुए पतंग दोबारा, और मैदान में अगर क्लब लड़ रहा हो तो पतंग सीधी होना बहुत ज़रूरी है, अगर सीधी पतंग नहीं होगी तो पतंग आपको पेच पर उतारनी पड़ेगी। ये देखिए चेक हो गई और एकदम गजब बेहतरीन ज़बरदस्त हो चुकी है पतंग में, ठड्डा मलने से चाल भी आ गई और पतंग बढ़िया एक नंबर की सीधी हो चुकी है, पतंग पेच के लिए तैयार हो चुकी है। ये देखिए बढ़िया पेच बेहतरीन फर्रेदार पतंग, समीर भाई ने अपनी पेच के लिए पतंग तैयार कर चुके हैं। बेन काइट क्लब के लिए अजमत भाई तैयारी लेंगे, पेच लड़ाएंगे ऊपर से, और लखनऊ के लिए भी लड़ाएंगे अजमत, और अब मुकाबला होने जा रहा है अजमत और अजमत के बीच में, अजमत लखनऊ और अजमत कोलकाता के बीच में। इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर, सामने देखिए पेच होता हुआ, ऊपर से लड़ा रहे हैं कोलकाता के अजमत और नीचे से लड़ा रहे हैं लखनऊ के अजमत, और तैयारी लेते हो दोनों खिलाड़ी। लखनऊ के लिए नीचे से मुड्ढा रख के नीचे से अंदर को आते हुए अजमत, ऊपर से कलकत्ता के लिए अजमत चढ़ के जाते हुए जगह बनाते हुए पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, सामने पेच होता हुआ और अजमत ऊपर से चढ़ के आते हुए कलकत्ता के लिए, और नीचे से अजमत लखनऊ के लिए
धपकी देते पतंग अपनी ऊंची करते हुए सामने, राइट हैंड साइड पे पतंग है अजमत कलकत्ता, और लेफ्ट हैंड साइड पे पतंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे पतंग है अजमत कलकत्ता की, और राइट हैंड साइड पे पतंग है लखनऊ के अजमत की। अजमत नीचे से अंदर मुड्डा लेके आते, ऊपर से अजमत कलकत्ता के जिगा बनाते हुए रखते हुए मुड्डा के हाथों से अजमत थपकी देते हुए चलाते हुए बाहर की तेज़ी लेके जाते हुए अजमत चक्कर देते हुए यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ अजमत कलकत्ता के लिए गद्दा मारा। यहाँ पे अजमत ने तेज़ी के साथ खींच के लखनऊ के बेहतरीन पेच काट दिया लखनऊ के लिए अजमत ने। कलकत्ता के लिए अब शेख भाई तैयारी लेते हुए पेल लड़ाएंगे ऊपर से, और नीचे से लड़ा रहे लखनऊ के लिए अजमत। सामने देखे तैयारी लेते हुए चलते इसी के साथ सीधे पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ ऊपर से है अभिषेक और नीचे से है अजमत। अजमत नीचे से मुड्ढा लेके जाते हो अंदर को, ऊपर से अभिषेक भाई चक्कर देते हुए जिगा बनाते हो मुड्ढा रखते हुए हल्का तो चक्कर देते हो। अजमत तेज़ी से बाहर तेज खींचते हो, यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ तेज बाहर खींची, और यहाँ पे अभिषेक ने गद्दा मारा, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पेच काट दिया पर अजमत ने लखनऊ के लिए। कलकत्ता के लिए अजमत भाई एक बार फिर से तैयारी लेंगे पे लड़ाएंगे ऊपर से, और लखनऊ के लिए भी लड़ा रहे हैं अजमत सामने इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखिए पेच होता हुआ तैयारी लेते हो दोनों खिलाड़ी, ऊपर से हैं अजमत कलकत्ता के लिए बाहर की तेज़ी से लेके जाते हो। यहाँ पे अजमत ने भरपूर ताकत के साथ तेज़ी से लखनऊ के लिए खींच के बेहतरीन पेच काट दिया, और ये पेच काफ़ी रेंज में हो रहा था, लगभग 700 मीटर के आसपास पेच हो रहा होगा, और बढ़िया पेच काट दिया पे अजमत ने भरपूर ताकत के साथ तेज खींच के लखनऊ के लिए। कलकत्ता के लिए अनवर भाई तैयारी ले रहे पे लड़ा रहे ऊपर से, सामने देखे जिगा बना चुके हैं, और नीचे से लड़ा रहे अजमत लखनऊ के लिए बेहतरीन, और इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ अजमत मुड्ढा लेके नीचे से अंदर जाते हुए ऊपर से अनवर भाई चढ़ के आते हुए जिगा बनाते हुए अजमत पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। अनवर भाई चढ़ के आते हुए तेज़ी से लेफ्ट हैंड साइड पतंग है अनवर की, और राइट हैंड साइड है पतंग अजमत की, और थपकी देते पतंग चलाते हुए तेज़ी से मुड्ढा लेके आते हुए बाहर की तेज खींचते हैं, यहाँ पर भरपूर ताकत के साथ तेज खींचे, और यहाँ पे अनवर ने बहुत ही बेहतरीन गद्दा मारा, और यहाँ पे अजमत ने लाजवाब पेच काट दिया यहाँ पर लखनऊ के लिए। और इसी के साथ साथ अजमत भाई कहे हो गए पेच अपने इससे 5 पेच काट दिए इस पतंग से अजमत भाई ने। कलकत्ता के लिए राकेश भाई तैयारी ले रहे, आप देख सकते हैं सामने वाइट रुमाल में है तैयारी लेंगे पेच लाएंगे ऊपर से, और लखनऊ के लिए अजमत भाई ये देखिए सामने 5 पेच काट चुके इस पतंग से, और छठा पेच लड़ाने जा रहे इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ ऊपर से है राकेश और नीचे से है अजमत। अजमत थपकी देते पतंग चलाते हुए और सही की आवाज़ लग चुकी है, ऊपर से राकेश चढ़ के आते हुए हल्के हाथों ने मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए अजमत पतंग चमकाते हुए हल्के हाथों पतंग अपनी ऊंची करते हुए बाहर का मुड्ढा लेके आते हुए ऊपर से राकेश मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते हुए बाहर के लेके जाते हुए चीखा बनाते हुए, और यहाँ पर भरपूर ताकत के साथ एक बार फिर से अजमत ने तेज खींची, और यहाँ पर बेहतरीन गद्दा मार्ग झटक के राकेश ने पेच काट दिया पर कलकत्ता के लिए। कलकत्ता के लिए अजमत भाई तैयारी ले रहे पेल लड़ाएंगे नीचे से, आप देखिए सामने, और लखनऊ के लिए लड़ाएंगे हमारे सिम्मी भाई सामने देखिए ऊपर से पेल लड़ाएंगे इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, सामने पेच होता हुआ नीचे से है अजमत कलकत्ता के लिए, और ऊपर से है सिम्मी भाई। सिम्मी भाई हल्का तो मुड्ढा रखते हुए अजमत तेज़ी से पतंग ऊँची करते हुए, और सिम्मी भाई तेज़ी से जिगा बनाते हैं, और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ बाहर तेज गद्दा मारते हैं। अजमत ने यहाँ पे तेज़ी से बाहर खींची और झटक के यहाँ पर बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पर कलकत्ता के लिए अजमत ने। लखनऊ के लिए समीर भाई पे लड़ा रहे ऊपर से, देखिए समीर पहाड़ी भाई नाम है इनका भाई का, और नीचे से लड़ा रहे हैं कलकत्ता के लिए अजमत भाई सामने, और तैयारी लेते हुए चलते दोनों पेच पर। सामने देखिए पेच होता हुआ ऊपर से हैं समीर भाई और नीचे से हैं अजमत। अजमत मुड्ढा लेके नीचे से अंदर जाते हुए थपकी देते पतंग चलाते हुए ऊपर से समीर भाई पतंग हल्के हाथों से मुड्ढा रखते हुए जिगा बनाते हुए अजमत पतंग अपनी ऊंची करते हुए
समीर भाई तेजी के साथ गद्दा उतारते हैं, यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारो। यहाँ पे अजमन ने बाहर तेज पट मार के बेहतरीन पेच काट दिया झटक के कलकत्ता के लिए, और यहाँ पे समीर भाई लखनऊ के लिए पेच कट गए। लखनऊ के लिए सौरभ भाई तैयारी लेंगे, पेच लड़ाएंगे ऊपर से सामने देखे तैयारी लेते हुए, और नीचे से हैं कलकत्ता के लिए अजमत भाई सामने तैयारी लेते हुए पेच की। नीचे से पेच लड़ा रहे, दो पेच काट चुके, तीसरा पेच लड़ाएंगे अब अपना, और इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर। पतंग यहाँ पर अजमत भाई की ख़राब हो गई तो सीधे जा रहे पेच, पतंग हटा ली यहाँ पर। और ये एक अच्छी बात, अगर पतंग ख़राब हो तो मैदान में अगर आप क्लब लड़ रहा है या परदेशी लड़ रही है तो पतंग हटा लेनी चाहिए और दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए, और यहाँ पे वही काम किया और अच्छे खिलाड़ी की निशानी है और पतंग ख़राब हुई और पतंग हटा ली यहाँ पर। इसी के साथ अजमत भाई ने दूसरी पतंग ले ली है, पेच लड़ाएंगे नीचे से, और ऊपर से लड़ा रहे सौरभ सामने देखे तैयारी लेते हुए, और इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ, ऊपर से लड़ा रहे सौरभ लखनऊ के लिए, नीचे से अजमत कलकत्ता के लिए। अजमत भाई नीचे से तेजी जाते हुए पता अपनी ऊंची करते हुए जगह बनाते हुए, और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ तेजी से दोनों खिलाड़ी खींचते हुए, यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा यहाँ सौरभ ने, और तेजी के साथ बाहर तेज खींच के यहाँ पर अजमत कलकत्ता के लिए पेच काट दिया। यहाँ पर सोडी भाई हमारे आ रहे हैं पेड़ लड़ाने के लिए नीचे से आगे का। सोडी भाई स्कोर क्या चल रहा है अभी? लगभग कितने होंगे अपने पास अभी? 8-9 टिकट से अभी लखनऊ आगे चल रहा कलकत्ता से, और सोडी भाई अब नीचे से पेड़ लड़ाएंगे, आगे आ चुके हैं देख सकते हैं, जा रहे हैं जगह बनाएंगे अपनी, और ऊपर से पेड़ लड़ाएंगे राकेश सामने देखिए मास्क लगाए हुए हैं बेहतरीन धूप से बचने के लिए, और जिम्मेदारी लेंगे ऊपर से गद्दा मारने की। और सोरी भाई देखिए जा चुके काफ़ी आगे अपनी जगह बना रहे हैं, पेड़ लड़ाएंगे नीचे का, और अभी लखनऊ 8-9 टिकट से कलकत्ता से आगे चल रहा है इस गेम में। सामने देखे पेच होता हुआ, ऊपर से है राकेश और नीचे से सोरी भाई थपकी देते हुए पतंग अंदर लेके जाते हुए, ऊपर से राकेश पतंग चलाते हुए चढ़ के आते हुए ऊपर से जगह बनाते हुए, सोरी भाई चक्कर देते हुए थपकी देते पतंग चलाते हुए बाहर के लेके आते हुए दिखाते हुए जगह, और यहाँ पे भरपूर ताकत के साथ राकेश ने गद्दा मारा, और यहाँ पे भरपूर तेजी के साथ तेज खींच के बाहर बेहतरीन पेच काट दिया लखनऊ के लिए सोरी भाई ने। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त मैदान लखनऊ का मेन शिव मंदिर बैजुल्लागंज आप देख सकते हैं, और आज यहाँ पर इस पर मैदान में दो गेम चल रहे हैं आप देख सकते हैं। सामने एक चल रहा है स्पीड और दिल्ली के बीच में, सामने ये देखिए स्पीड काइट क्लब के खिलाड़ी हैं सामने इधर पतंग छोड़ के जाते हुए, और अपोजिट साइड है दिल्ली की टीम, और ये रहे सामने कलकत्ता, और ये लखनऊ आलमबाग। और बहुत ही ज़बरदस्त मैदान आप देख सकते हैं, मैदान चारों तरफ दिखावा बहुत ही बेहतरीन, दूर दूर तक दिखावा है बेहतरीन खूबसूरत मैदान, और खिलाड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गेम होता हुआ, और बढ़िया गेम हो चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। और वीडियो में बने रहें और पूरा गेम का आनंद लीजिए। देखिए अभिषेक भाई हमारे कलकत्ता से हैं लखनऊ में शौक करने के लिए। अभिषेक भाई कैसा लग रहा है आपको लखनऊ में आज? मज़ा आ रहा है, बढ़िया हवा आज आपको, कई दिनों के बाद आज हवा मिली है खिलाड़ियों को, और कल भी हवा नहीं थी परसों भी हवा नहीं थी, दो गेम हमने बनाए थे। हाँ हवा ले के आए कलकत्ता से, और ये देखिए लाल कलर का मंजा जो है छोड़ के जाते हुए, कौन सा मंजा है भाई ये? ये निसार का, निसार भाई का। और अब शेख भाई डोर छोड़ के जा रहे देखे, और पतंग बढ़िया बेहतरीन छोड़ते हुए वाइट बादलों के बीच में ज़बरदस्त पतंग बढ़ के जाते हुए चक्कर खाते हुए डोर पर। बेन भाई देखे, और यहाँ पर देखे बढ़िया तेज़ी के साथ काफ़ी रेंज में पेच हो रहा है, लेकिन फिर भी खींच के लड़ा रहे पेच, और अजमत भाई देखिए खींचते बहुत तेज़ी के साथ जाते हुए पीछे, और यहाँ पर सिम्मी भाई ने पेच काट दिया लखनऊ के लिए। बेन भाई हमारे डोर छोड़ के जा रहे हैं देखिए, बेन भाई स्कोर क्या चल रहा है अभी? 9-10 पर्चे से अभी घट पे हैं,
और ज़बरदस्त गेम चल रहा है। मौसम भी बढ़िया हो गया है, आप देख सकते हैं सफ़ेद बादलों में, और बढ़िया गेम चल रहा है कलकत्ता लखनऊ के बीच में। बिन भाई ये डोर कौन सी, किसकी, किस कारीगर की बढ़ा रहे आप? यूसुफ भाई का मंजा, देखिए आसिफ भाई यूसुफ भाई का मंजा है, बाकरगंज बरेली का मंजा बढ़ा रहे, और ये रहे अनवर भाई साथ में है, बेहतरीन खिलाड़ी कलकत्ता के। कलकत्ता के लिए अजमत भाई तैयारी लेंगे, पे लड़ाएंगे नीचे से जा रहे, देखिए सामने जगह बना रहे अपनी, और ऊपर से लड़ाएंगे लखनऊ के लिए आंसू, सामने देखे आंसू भाई भी जा रहे अपनी जगह बना रहे ऊपर से पेच के लिए, और इसी के साथ चलते हम सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच हो रहा है, पेच लगभग ये कम से कम हो रहा 1000 मीटर के आसपास, काफ़ी रेंज में पेच हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी दूर गुड्डी लगी हुई है, पेच काफ़ी रेंज में हो रहा देख सकते हैं आप, भरपूर ताकत के साथ यहाँ पर से एक डिग तेज खींच के और यहाँ पर झटका के बेहतरीन पेच काट दिया। लखनऊ के लिए अजमत भाई तैयारी ले रहे, पेल लड़ा रहे ऊपर से, और नीचे से हैं भी हैं अजमत भाई कलकत्ता के लिए। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ कलकत्ता और लखनऊ के बीच में गेम हो रहा है, ऊपर से ला रहे अजमत और नीचे से अजमत कलकत्ता के लिए, अजमत तेज़ी से बाहर का तेज़ी लेके जाता है, यहाँ पर भरपूर ताकत के साथ बाहर की तेज पट मार के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर कलकत्ता के लिए। लखनऊ के लिए आंसू भाई तैयारी लेते हुए पेड़ लाएंगे ऊपर से, सामने देखे पतंग की गीठा बांध रहे हैं, और नीचे से कलकत्ता के लिए अजमत भाई सामने बेहतरीन पेच काटा, और पेड़ लड़ाएंगे फिर से दोबारा नीचे से, और तैयारी लेते हुए इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने देखे तैयारी लेते हुए पेच, नीचे से हैं अजमत कलकत्ता के लिए, ऊपर से आंसू भाई, पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, ऊपर से लड़ा रहे आंसू, नीचे से अमजद भाई तबकी देते हैं, यहाँ पे तेज़ी से बाहर तेज खींचते हैं, यहाँ पर आंसू ने भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा, यहाँ पे बाहर तेज खींच के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर अमजद कलकत्ता के लिए। लखनऊ के लिए सोदी भाई तैयारी लेंगे, पेल लड़ाएंगे ऊपर से, सामने देखे जगह बना रहे हैं, और नीचे से कलकत्ता के लिए अजमत भाई तबकी देते पतंग चलाते हो, सामने पेच होता हुआ, नीचे से अमजद अंदर का मुड्ढा लेके जाते हो, ऊपर से चढ़ के आते हो हल्के हाथों में मुड्ढा रखते हुए, सोडी भाई पतंग चलाते हो हल्के हाथों पतंग, बाहर का मुड्ढा लेके जाते हो अजमत, अंदर बाहर चढ़ के आते हुए खेल खेलते हो दोनों खिलाड़ी, सामने पेच होता हुआ, ऊपर से लखनऊ के लिए सोडी भाई और नीचे से कलकत्ता के लिए अजमत भाई, सामने पेच होता हुआ, सोडी भाई चढ़ के आते हुए हाथ की ओर, ऊपर से बाहर का लेके जाते हुए अजमत, जिगा बनाते हुए ऊपर से सोडी भाई चक्कर देते हुए मुड्ढा हल्के आते हुए बाहर का लेके आते हुए अजमत, पतंग चढ़ाते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए जिगा बनाते हुए, सामने पेच होता हुआ लखनऊ और कलकत्ता के बीच में, सोडी भाई रखते हुए मुड्ढा हल्के आते चक्कर देते हुए जिगा बनाते हुए अजमत, तबकी देते पतंग चलाते हुए ऊंची कर दे पतंग अपनी, और बेहतरीन पेच होता हुआ चोड़ी भाई मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते हुए बाहर का मुड्ढा लेके जाते हुए तेजी के साथ भरपूर ताकत के साथ, और यहाँ पे रोक के यहाँ पे फिर डबल करके यहाँ पे अजमत ने बाहर तेज खींच के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर एक बार फिर से कलकत्ता के लिए। लखनऊ के लिए सिमी भाई तैयारी ले रहे पेल लड़ाएंगे ऊपर से, और यहाँ पर अजमत कलकत्ता के लिए पेड़ लड़ा रहे नीचे से, पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। सामने पेच होता हुआ ऊपर से सिमी भाई है और नीचे से हैं अजमत अमजद जो भी नाम हो आप समझ सकते हैं कलकत्ता के प्लेयर है, बस ये समझिए आप दो तीन नाम है इसी तरीके के तो कन्फ्यूजन हो रहा है, अजमत भाई हैं अब नाम याद आ गया सही से, अमजद भाई नीचे से अंदर मुड्ढा लेके जाते हुए ऊपर से सिमी भाई बाहर का हल्का तो रखते हुए जिघा बनाते हुए, और पेच होता हुआ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त पेच काट रहे हैं यहाँ पे अमजद भाई, सिमी भाई मुड्ढा बाहर का लेके जाते हुए जिघा बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पर सिमी भाई ने बेहतरीन, यहाँ पर अमजद भाई ने तेजी से खींचाओ यहाँ पर बढ़िया लाजवाब पेच काट दिया यहाँ पर सिमी भाई ने लखनऊ के लिए।
कलकत्ता के लिए अभिषेक भाई तैयारी ले रहे, पे लड़ाएंगे ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे हैं सोडी भाई सामने। बढ़िया गद्दा मारा था सिमी भाई ने ऊपर से पेच, और सोडी भाई आ चुके हैं पे लड़ाने नीचे, और इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, सामने पेच होता हुआ। नीचे से सोडी भाई अंदर का मुड्ढा लेके जाते हैं, ऊपर से अभिषेक चक्कर देते हुए रखते हुए पतंग हल्का तो मुड्ढा अपना, और सोडी भाई नीचे से अंदर जाते हुए पतंग चलाते हुए थप्पी देते हुए ऊपर से अभिषेक जीघा बनाते हुए घेरते हुए पतंग बाहर के लेके आते हुए सामने पेच होता हुआ। लखनऊ और कलकत्ता के बीच में बेहतरीन ज़बरदस्त गेम होता हुआ, और चेहरा घेरते हुए यहाँ पर अभिषेक पेड़ों के ऊपर पेच होता हुआ। यहाँ पर पतंग बाहर हो चुकी है लेकिन पेच कैंसिल अभी नहीं हुआ है, और अभिषेक चढ़ के आते हुए अब जीघा बनाते हुए एक बार फिर से सोडी भाई थपकी देते हुए पतंग अंदर बाहर चलाते हुए अभिषेक बाहर के लेके जाते हुए, सोडी भाई नीचे से अंदर जाते हुए सामने पेच होता हुआ पेड़ के ऊपर, और यहाँ पे सोडी भाई तेज़ी से बाहर का लेके आता हुआ यहाँ पे डोर पे खेल खेलते हुए यहाँ पर डोल लगा के यहाँ पर पेच अभिषेक ने काट दिया चेहरा। विनय भाई के साथ हैं अमजद भाई, अमजद भाई पे लड़ा रहे नीचे से, और लखनऊ के लिए लड़ा रहे हैं सिमी भाई सामने तैयारी लेते हुए ऊपर से पे लड़ा रहे, और इसी के साथ पेच होता है यहाँ पर सामने पेच हो गया। भरपूर ताकत के साथ गद्दा मारा सिमी भाई ने, और यहाँ पे तेज़ी से बाहर की तेज खींच के अमजद ने पेच काट दिया कलकत्ता के लिए। आंसू भाई देखिए हमारी पतंग तैयार कर रहे हैं देखिए, और अपने पेच की तैयारी करते हुए देखिए। आंसू भाई कौन सी पतंग है? लोकल है भाई, प्रिंस काइट क्लब लोकल पतंग है हमारी। लोकल का है कि यार यही पतंग बाहर जाएगी ब्रांड हो जाए, मेरठ की पतंग है, आप लोकल बता रहे हैं। और हमारे सलमान भाई भी आए हैं कानपुर से गेम देखने के लिए कलकत्ता लखनऊ का। सलमान भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रही है गेम देखने में, मज़ा आ रहा है। बगल में दिल्ली भी लड़ रहा है, दिल्ली भी लड़ रहा, दोनों गेम आपको मिल रहे हैं यार देखने को लखनऊ में। मैं कल भी आया था, कल भी आए थे आप? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है भाई। सलमान भाई हमारे तिवारी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको आप इनके चैनल को आगे तक लेकर जाइए और लाइक करिए सब्सक्राइब करिए भाई। शाम हो चुकी है और लखनऊ और कलकत्ता के बीच में गेम चल रहा था अभी। सिमी भाई स्कोर क्या रहा अभी दोनों टीमों के बीच में? इस समय अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 6:30 हुआ है और हमारे पास 13 टिकट हैं, और अभी गेम लड़ा है। शुरू में तो कांटे मारे का गेम लड़ा, उनके पास 4 टिकट हमारे चले गए थे, कभी एक हमारे पास आए कभी उनके पास जाए, और बाद में फिर गेम बैलेंस हुआ, कुछ काटा पीटा कटकाट हुई, छक्के हुए। एक पतंग से अजमत ने 10 पेच काट दिए, और एक डाल मतलब एक टूट गई, एक डाल काटे, एक पतंग 6 काट के टूट गई, एक पतंग 4 काट के टूट गई, फिर 6 काट के टूट गई, फिर 5 काटा, 5 फिर 5 काटे, 2 पतंगों से 5-5 काट दिए, इसने पतंग लड़ा दी। बढ़िया गेम लड़ा, कलकत्ते की सबसे अच्छी टीम आई है हमारे बेन भाई जो लेके आते हैं, इनका काम है नाम है अभिषेक और अमजद भाई। और इनके साथ और भी जितने लड़के हैं सब बढ़िया अच्छे लड़ाने वाले खींचने वाले, बहुत अच्छी कलकत्ते की टीम है ये। अच्छा, अभी कितने समय कितने टाइम का गेम बचा? अभी टाइम बचा है मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम बचा है, एक पेच और काट दिया है, 14 टिकट हो गए, बढ़िया अभी टाइम है, 15-20 मिनट का टाइम है, अजान के बाद भी 1-2 पेच लड़ते हैं। अच्छा अच्छा, अमजद भाई तैयारी ले रहे पेड़ लड़ाएंगे ऊपर से कलकत्ता के लिए, और विनय भाई साथ में सपोर्ट में, और लखनऊ के लिए लड़ा रहे सिमी भाई सामने पेच नीचे से, और इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता है ऊपर से है अजमत भाई चढ़ के जाते हो बाहर का मुड्ढा लेके आता है, सिमी भाई तेज़ी से अंदर का मुड्ढा लेके आते हो, चलाते हो पतंग अंदर का मुड्ढा लेके आते हो, अजमत तेज़ी के साथ भरपूर ताकत के साथ गद्दा उतारते हो यहाँ पर, और यहाँ पर बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर अजमत ने गद्दा मार के, और सिमी भाई यहाँ पर लखनऊ के लिए पेच कट गए। अमजद भाई तैयारी लेंगे पेड़ लड़ाएंगे एक बार फिर से ऊपर से कलकत्ता के लिए, और नीचे से गए हैं सोरी भाई सामने तैयारी लेते हुए, और इसी के साथ चलते हैं सीधे पेच की ओर। सामने देखे पेच होता हुआ सोरी भाई नीचे से मुड्ढा लेके अंदर को आते हुए ऊपर से अजमत हल्के हाथों से मुड्ढा अंदर का लेके आते हुए चढ़ के आते हुए
नीचे से सॉरी भाई, पतंग चढ़ाते हुए हल्का सा थप्पी देते हुए अजमत बाहर की तेजी साथ हल्का बुढ़ा रखते हुए बाहर का सॉरी भाई, नीचे से तेजी छाते हुए चक्कर देते हुए जिगह बनाते हुए और यहाँ पे अजमत भरपूर ताकत के साथ बाहर तेज खींचते हुए यहाँ पे बेहतरीन तेज ताकत के साथ तेज खींच के यहाँ पर सॉरी भाई ने पेच काट दिया लखनऊ के लिए कलकत्ता को, बढ़िया पेच काट दिया यहाँ पर कलकत्ता के लिए। राकेश भाई पे लड़ा रहे ऊपर से आप देख सकते हैं सामने, और नीचे से लड़ा रहे हैं आशु सामने, इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ आशु नीचे से अंदर का मुड्डा लेके आते हैं, ऊपर से राकेश रखते हुए बाहर का हल्के आते हुए जिगह बनाते हुए आशु तेजी से पतंग अपनी ऊँची करते हुए यहाँ पे राकेश ने बाहर का गद्दा मार के झटक के बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर कलकत्ता के लिए। लखनऊ के लिए सौरभ भाई तैयारी ले रहे पे लड़ा रहे ऊपर से, और राकेश लड़ा रहे कलकत्ता के लिए सामने, नीचे समीर भाई के आगे हैं, और इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ नीचे से हैं, नीचे से हैं राकेश, राकेश अंदर का मुड्ढा लेके आते हैं ऊपर सौरभ, मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते जगह बनाते हुए अंदर की तेजी के साथ उतारते हैं यहाँ पे पड़ मारते हुए राकेश, और फैसला नहीं हुआ यहाँ पर। शाम हो चुकी है, ये आखिरी पेच हो रहा है कलकत्ता और लखनऊ के बीच में गेम, और यहाँ पे सौरभ भाई बुढ़ा रखते हो और यहाँ पे बाहर भरपूर ताकत के साथ तेज खींचते हो डबल करके यहाँ पर बाहर बेहतरीन पेच काट यहाँ पर लखनऊ के लिए, और इसी के साथ साथ आज का गेम यहीं पर समाप्त होता है और लखनऊ यहाँ पे ये गेम विन कर चुका है। बहन भाई तैयारी लेंगे पेड़ लड़ाएंगे ऊपर से कलकत्ता के जो कि कैप्टन हैं, और लखनऊ के लिए लड़ा रहे सौरभ सामने पेच गए हैं नीचे से पेड़ लड़ाने के, और पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, इसी के साथ चलते सीधे पेच की ओर, सामने पेच होता हुआ लखनऊ और कलकत्ता के बीच में सौरभ मुड्ढा लेके नीचे से अंदर आते हुए थपकी देते पतंग चलाते हुए अपनी पतंग ऊँची करते हुए और जिगा बनाते हुए यहाँ पे बिन भाई मुड्ढा रखते हुए सौरभ पड़ मारते हुए और यहाँ पर भर्रा देके यहाँ पे सौरभ ने बढ़िया बेहतरीन अंदर की तेज झटक के लाजवाब पेच काट दिया यहाँ पर लखनऊ के लिए, और यहाँ पे बिन भाई पेच कट गए कलकत्ता के लिए। हमने सोचा था शायद राकेश भाई का आखिरी पेच होगा, लेकिन आखिरी पेच कैप्टन ने लड़ाया कलकत्ता के लिए। यहाँ पर कलकत्ता से हमारा आज गेम हुआ लखनऊ और कलकत्ता के बीच में, और सिमी भाई बताएं सिमी भाई कई टिकट से विन किया अपना गेम आज। 11 टिकट से कलकत्ते से, कलकत्ते की बेन काइट क्लब को अमजद और वो अभिषेक इनको बेन काइट क्लब को जी 11 पर्चों से जीता है आलमबाग काइट लखनऊ ने। आलमबाग आज विन किया, बहुत जबरदस्त गेम लड़ा, मजेदार, और शुरुआत में उतार चढ़ाव भरा गेम रहा, लेकिन जो आखिरी में विजेता जो है आलमबाग बना। आखिरी में जीत फिर जानते हैं सत्य की होती है।